महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। हालांकि बैठक में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हाजिर नहीं है, वहीं विरोधी दल के नेता देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। जो जानकारी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे भी बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि मनसे की तरफ से संदीप देशपांडे और बाला नंदगांवकर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में ये बैठक हो रही है। तो इस बैठक के बाद लाउडस्पीकर को लेकर कोई नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो महाराष्ट्र में इस समय लाउडस्पीकर विवाद को लेकर सर्वदलीय बैठक जारी है। बैठक का नेतृत्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल और उप मुख्यमंत्री अजित पवार कर रहे हैं। हालांकि खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में हाजिर नहीं है। इसके अलावा लाउडस्पीकर विवाद को जन्म देने वाले, इस सबसे पहले उठाने वाले खुद मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी बैठक में गैर हाजिर है। उनकी पार्टी के तरफ से मनसे नेता बाला नंदगांवकर और संदीप देशपांडे बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र में सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है और ऐसी संभावना है कि इस बैठक के बाद लाउडस्पीकर को लेकर धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकरों को लेकर दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकरों को लेकर नियम जारी किए थे, लेकिन इसके बाद भी विवाद थमा नहीं है। और ठाणे सभा में मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था कि 3 मई तक प्रदेश के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार जाना चाहिए, नहीं तो प्रदेश के सभी मस्जिदों के सामने मनसे के नेता और कार्यकर्ता 3 मई के बाद रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मनसे अपने स्टैंड को लेकर अभी भी अड़ी हुई है, मनसे आक्रामक है लाउडस्पीकरों को उतारवाने के लिए। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने शांतिपूर्ण तरीके इस मुद्दे को हल करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में हमें जहां तक जानकारी मिली है, खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और भाजपा महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे खुद शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के तरफ से भी नेता शामिल हुए। वहीं मनसे की तरफ से बाला नंदगांवकर और संदीप देशपांडे शामिल हुए, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस बैठक का नेतृत्व खुद उप मुख्यमंत्री अजित पवार और गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल कर रहे हैं। तो इस बैठक के बाद लाउडस्पीकरों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। अगर दिशा निर्देश जारी होते हैं तो शायद लाउडस्पीकर विवाद जो चल रहा है वो खत्म हो सकता है। लेकिन क्या मनसे जो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं सरकार की तरफ से, उसको लेकर संतुष्ट होती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर मनसे संतुष्ट हो जाती है तो यहाँ से लाउडस्पीकर का विवाद महाराष्ट्र से खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है लाउडस्पीकरों को लेकर, जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेसिबल फिक्स किए गए, उसके तर्ज पर अगर दिशा निर्देश जारी होते हैं तो ये मसला खत्म हो सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी बैठक के बाद क्या फैसला होता है, क्या महाराष्ट्र सरकार लाउडस्पीकरों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करते है, और दिशा निर्देश जारी भी करती है तो क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या मनसे संतुष्ट होती है महाराष्ट्र सरकार की दिशा निर्देशों से। क्या इस बैठक के बाद महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद खत्म हो जाएगा या मनसे आने वाले दिनों में लाउडस्पीकर को लेकर और आक्रामक होगी। जैसे ही जैसे हमें इस बैठक के बारे में और जानकारी आएगी, हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को पहुंचाएंगे। हमारी नजर बनी हुई है इस खबर पर, पल पल के अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश, मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का सहनसा, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।